आज द फोन इन क्वेश्चन इज LG G6। अब काफ़ी लोगों ने मेरी पिछली V20 वाली वीडियो के ऊपर इसका रिव्यू रिक्वेस्ट किया था कमेंट्स के अंदर, तो मैंने खुद तो मैंने ही लिया। ऑब्वियसली मैंने अभी मेरा V20 ठीक चल रहा, तो मैंने किसी का फ़ोन रिव्यू के लिए ले लिया G6। तो मैं इसको कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में अपनी थॉट्स दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो आप हमेशा किसी भी LG के फ़ोन के अंदर जिससे आप डर रहे होते हैं, वो ये होता है कि क्या इसकी बैटरी लाइफ ठीक होगी। अब थोड़े मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं यार इसकी बैटरी के बारे में। कभी इसकी बैटरी बहुत अच्छी चलने लग जाती है और कभी इसकी बैटरी जस्ट अराउंड एवरेज है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इस फ़ोन की बैटरी थोड़ी है किसी भी मीनिंग के अंदर। ये एक फ़ोन, एक फुल डे फ़ोन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मे बी एक 7 PM फ़ोन इसको कहा जा सकता है। तो उसके अलावा बैटरी लाइफ के लिहाज से वैसे भी LG थोड़े कम बैटरी वाले माने जाते हैं, उसके लिहाज से ही LG का G6 बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो ये है कि इसकी स्पेक्स। अब ज़्यादातर जो आजकल 14 से 15 हज़ार के अंदर आपको फ़ोन मिलते हैं, उनके अंदर मिड रेंज चिप्स होती है जिनका एंटूटू स्कोर अराउंड 70,000 या लेस होता है। मे बी कुछ बहुत एक्सेप्शनल फ़ोन्स होंगे 20,000 तक जिनकी परफॉर्मेंस 1 लाख तक पहुंचेगी, लेकिन इसके अंदर स्नैपड्रैगन 821 है जिसका एंटूटू स्कोर अराउंड 1,50,000 है। तो इससे आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि कोई भी बजट फ़ोन अभी तक ऐसा नहीं है कि जो इसको बीट कर सके परफॉर्मेंस के अंदर इस बजट के अंदर। ये फ़ोन आपको अराउंड मार्केट के अंदर 15 से 16 हज़ार रुपये के अंदर मिल जाएगा। दिस स्पेसिफिक यूनिट हमें पड़ा है तकरीबन 16 हज़ार का। तो अच्छा फ़ोन है उसके अलावा भी ओवरऑल। इसके बाद एक चीज़ जिसके वजह से मैं हमेशा को LG लेता आया हूँ वो है कैमरा। अब बैक पे आपको 2 13 मेगापिक्सल के कैमरे मिल जाएंगे जिनमें से एक अल्ट्रा वाइड है और एक नॉर्मल है, और फ्रंट पे आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाएगा। इसकी जो मेन फोकस है, जो मेन इस फ़ोन का मकसद है कैमरे के लिहाज से, वो ऑटो मोड बिल्कुल भी नहीं है, ब्यूटी मोड बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल बजट वाले फ़ोन्स के अंदर अगर आपको जो मेन चीज़ पसंद आती है वो ब्यूटी मोड है और ऑटो मोड है, ज़्यादा सेचुरेशन है, तो आपको ये फ़ोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कैमरा वाइज। तो इसका जो मेन फोकस है कैमरे के अंदर वो है मैनुअल मोड। अगर आप इसका मैनुअल मोड यूज़ करते हैं और आप किसी भी तरह के प्रोफेशनल हैं, तो आपको यूज़ करते साथ विद इन अ डे आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर और नॉर्मल फ़ोन्स के रिज़ल्ट के अंदर क्या फ़र्क है। ये आपको फुल कंट्रोल देता है शटर स्पीड के ऊपर, ISO के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। और मज़े की बात, एक फ़ीचर जो सिर्फ V सीरीज़ के अंदर होता था वो थी मैनुअल वीडियो, जो कि अब G6 के अंदर नई अपडेट के अंदर आ गई है। अगर बात की जाए इसकी बाकी ओवरऑल कैमरे के रिज़ल्ट की, तो ऑटो मोड के ऊपर ये अराउंड 5 out of 10 है, लेकिन मैनुअल मोड के ऊपर ये सिंपली 10 out of 10 है। LG से बेहतर ऑटो मैनुअल मोड कोई भी और कंपनी नहीं बना रही इस वक्त करंटली, और इस प्राइस के अंदर वैसे भी इस तरह के कैमरे मिलने भी मुश्किल है। और दूसरी बात, इसका जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है उसकी वजह से इसकी एज काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि आजकल के नए फ्लैगशिप्स के अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरे आ रहे हैं, तो इसकी वजह से इस फ़ोन की एज काफ़ी बढ़ गई है। अगर आप बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर भी आप बहुत सेटिस्फाइड रहने वाले हैं, क्योंकि ये नॉर्मल मिड रेंज डिवाइसेस की तरह प्लास्टिक से नहीं बना हुआ, ये एल्युमिनियम और ग्लास से बना हुआ है। ग्लास का मतलब असल ग्लास, सिर्फ शाइनिंग कलर ग्रेडिएंट। अगर मैं इसका कवर आपको उतार के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, वैसे भी देखने में बहुत खूबसूरत डिवाइस है। और अगर आप इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, तो ये काफ़ी ड्यूरेबल फ़ोन है। अब जाहिर बात है गिरने पे तो ग्लास टूटता ही है ना, किसी भी नॉर्मल फ़ोन की तरह। अगर डिस्प्ले पे आते हैं तो यार बहुत खूबसूरत डिस्प्ले है इसका, मेरा नहीं ख्याल किसी भी एवरेज फ़ोन के जैसा इसका डिस्प्ले है। मे बी मैं क्योंकि LG V20 यूज़ करता हूँ जिसके अंदर बेजललेस डिस्प्ले नहीं है, मे बी इसलिए, लेकिन ये डिस्प्ले बहुत खूबसूरत है। ये IPS पैनल है, AMOLED नहीं है इस प्राइस के अंदर, लेकिन चलें फिर भी ठीक है, क्योंकि LG अपने IPS पैनल की रिज़ल्ट की वजह से ही भी माना जाता है। उसके अलावा गेमिंग के लिहाज से आप में से जो लोग ये फ़ोन कंसिडर करना चाह रहे थे, मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूँ कि यार गेमिंग के लिहाज से ये फ़ोन बहुत अच्छा है। स्नैपड्रैगन 821 गेमिंग के लिहाज से बहुत अच्छा है, किसी भी बजट फ़ोन से अच्छा है।
अब इस सब के बावजूद, इतनी अच्छी स्पेक्स के बावजूद, अच्छे कैमरे के बावजूद, मैं आप लोगों के फ़ोन नहीं रिकमेंड करूँगा अनलेस के आप रिस्क लेने को तैयार हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है यार, LG के फ़ोनस हैं, आपको पता है ये इतने स्टेबल नहीं होते पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मोस्टली बाहर से किट्स आती हैं, ज़्यादातर रीयूज्ड होते हैं, कुछ अजीब अजीब से इनके अंदर क्वर्क्स आ जाते हैं, किसी की बैटरी डिग्रेडेड होगी, किसी की कुछ होगी। तो मैं कभी भी किसी भी एवरेज आदमी को ये रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आप क्रिएटर हैं और आप रिस्क लेने को तैयार हैं, आप इसको एज अ कैमरा लेना चाहेंगे, तो बहुत अच्छा फ़ोन है उस लिहाज से। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं, रिस्क का वर्ड अपने माइंड में रख लीजिए। 2019 की बात की जाए तो ये फ़ोन ओवरऑल बहुत अच्छा होल्ड अप करता है, और मेरे ख्याल से अगर मैंने नेक्स्ट कोई फ़ोन पे अपग्रेड करना हुआ इन दिस बजट, तो मैं ज़रूर G6 को अपने कंसिडरेशन में रखूँगा, क्योंकि ये फ़िलहाल तो बहुत एक खूबसूरत डिवाइस है, और इसको हाथ में पकड़ते ही अगर आपके फ़ोन में जो आपके हाथ में जो भी बजट फ़ोन है, आपका दिल करेगा कि आप वो उसमें से निकाल के इसमें डालें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो यार मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अभी फिर से डेली वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मे भी आपको रेगुलरली कोई एवरेज कॉन्स्टेंट मिलता रहेगा। तो इसी के साथ यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।